शुएब अख्तर की शैतान को वो 100 मील फी घंटा के गुस्से से कंकरियां मारने की वीडियो वायरल। मक्का मुकरमा में एक कौमी क्रिकेट टीम के सबक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने फ्री जहाज के दौरान बड़े शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो शेयर की है। तफसील इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में देखा जा सकता है कि हेरोइन पहने हुए शुएब अख्तर जमा को बढ़ा यानी बड़े शैतान को रेमी कर रहे हैं यानी इससे कंकरियां मार रहे हैं। शुएब अख्तर ने शैतान की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इसको छोड़ना नहीं है। वीडियो के कैप्शन में शुएब अख्तर ने लिखा कि रफ्तार की फरमाइश तो नहीं की, तहम गुस्सा जरूर 100 मील फी घंटा था। ख्याल रहे कि शुएब अख्तर भी 10 लाख खुश नसीबों मुसलमानों में शामिल है जिन्होंने नवा बरस हज अकबर की सादत हासिल की है। वो सऊदी अरब के सरकारी मेहमान के तौर पर फ्री हज अदा करने सऊदी अरब गए थे। आपकी दुआओं का शुक्रिया, तकलीफ में हूँ, मजीद 5 साल खेलता तो व्हील चेयर पर आ जाता। शुएब अख्तर वीडियो पैगाम जारी। पाकिस्तान के स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने गुटरे की तवील सर्जरी के बाद वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उनका दावों का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि तकलीफ में हूँ, बस आपकी दुआएं चाहिए, 5 साल मजीद खेलता तो व्हील चेयर पर आ जाता। रावलपिंडी एक्सप्रेस का कहना था कि शुएब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया हूँ, 5 से 6 घंटे के ऑपरेशन में मजीद 2 घंटों की सर्जरी की गई, तहम उम्मीद करता हूँ कि मेरी आखिरी सर्जरी होगी। इनका मजीद कहना था कि क्रिकेट से रिटायरमेंट के 11 साल बाद भी मैं मेरे घुटनों का हाल ये है कि मजीद 5 साल खेलता तो सीधा व्हील चेयर पर आ जाता। शुएब अख्तर का मजीद कहना था कि मैं अपने क्रिकेट करियर में फास्ट बॉलिंग की ये सोचा था कि अपनी हड्डियों को खो देता, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब पाकिस्तान के लिए है, अगर मुझे दोबारा भी मौका मिले तो मैं यही करूँगा। इस तरह की वीडियो लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो के साथ फिर